वो कई लोगों की मिली भगत है एक तरीके से, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमें ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, मेन सिटी में रहें, तो वो चीजें हैं। इसी वजह से शायद हमन टोटा को लेकर के भी परेशानियां हुई, और क्योंकि भैया मुझे लगता है कि ये तो बहुत गिवन सी चीज है। और अगर कल भी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि बारिश की प्रिडिक्शन कल भी है, मैं बाद में एक वीडियो कर दूंगा आप तमाम लोगों के लिए, जो भी लोग हैं ये बताते हुए कि भाई कल किस समय पर प्रिडिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा हाई है और मैच पर कल कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है। मुझे ये बताइए कि अगर कल का दिन भी धुल गया तो एसीसी क्या सफाई देगा भाई, ऑर्गेनाइजर्स क्या सफाई देंगे, क्या भैया बोलेंगे? यही तो सवाल है। कल कल आपने तो आपने हाथ में दे दिया रख के मुद्दा, बिल्कुल भैया, कल आपने वेंकटेश प्रसाद का आज कल आपने वेंकटेश प्रसाद का ट्वीट देखा होगा। उन्होंने साफ बोला है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट हो रहा है, इससे बड़े तो बायलैटरल करवा लो और एशिया कप का बॉयकॉट करना चाहिए श्रीलंका बांग्लादेश को, क्योंकि भैया ये एशिया कप ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले का टूर्नामेंट। इससे बेटर तरीके से होस्ट हो सकता था कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे। और भाई जब आपको पता कि बारिश होनी मत करवाओ यहां पर आप मैच, तो एसीसी का भैया पूरी तरीके से फेलियर है। और पाकिस्तान हो चाहे बाकी बोर्ड्स हो, वो तो घेर रहे एसीसी को पूरी तरीके से भाई, एसीसी को यहां पर घेर रहे हैं। और जो वेंकटेश प्रसाद ने बोला भी है वहां पर साफ तौर पे कल बोला है कि भाई आप एशिया कप का वहां पर आप बॉयकॉट करिए। और मतलब समझ में नहीं आई चीजें। और भैया अभी तो इंडियन फैंस तो तब लताड़ लगाएंगे जब ये इंडिया को ही कॉस्ट कर जाएगा। बारिश पड़ती रही, इंडिया ही क्वालिफाई ना कर पाया, तो अगर इंडिया ही क्वालिफाई ना कर पाए इंडिया के मैच रद्द हो गए वहां पर। जी ये आ गए हमारे चाचा जी, पाकिस्तान से आ गए हैं, और ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप सही विश्लेषण करें। आप भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं और सही चीज आप बोले। एक तो ये बताइए बारिश से कितने डिसअपॉइंटेड हैं? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। सिर्फ मैं ही नहीं, इंडियन फैन भी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा दुखी है उसकी वजह। अरे ठीक है, लाए आपको गोरा बनाना है अपने आप। मैं थोड़ा सा गोरा बन रहा हूँ यार, मैं रंग का बहुत बड़ा कर लाइए, मैं आपके चेहरे नहीं नहीं बस ठीक है, जुड़ा के ला आपका थोड़ा सा। अच्छा दुखी तो सारे हैं, आपको पता है इंडियन फैंस भी यहाँ से रोते हुए गए होंगे जिस तरह मैं रोता हुआ जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त खड़ा है, उसकी कल फ्लाइट है सुबह की, वो बीवी के पास जाना है उसको चेन्नई। देखो और अभी राम बाबू जितने भी आपके इंडियन फैंस हैं वो भी दुखी होके गए हैं, तो दुख तो हुआ है। बाकी अगर मेरिट की बात करें तो आज इंडिया, एक मिनट ये फ्लैग मंग रहे, बिल्कुल मेरी कैब जी, तो इंडिया जो है इंडिया आज आउटस्टैंडिंग खेला है। देख लीजिए आप ये फोन मुझे पकड़ गया आपको, एक मिनट पकड़ा, मेरी टोपी का बैलेंस खराब हो रहा है। अरे भाई जान स्मार्ट लग रहे हो, कोई डाउट नहीं इसमें तो। अरे इंडिया आज बड़ा अच्छा खेला जी, आज इंडिया ने मतलब जो हम आज शाहीन की क्या हो गया, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो शाहीन है वो छपटेंगे पलटेंगे और पलट कर फिर छपटेंगे, आज वो ऐसा कुछ भी नजर आ रहा था हमें। और आपकी ओपनिंग ने इस तरह अच्छा स्टार्ट किया आपको कि मुझे एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 350 के राउंड अबाउट आराम से इंडिया स्कोर बना जाएगा। फिर वही बाबर आजम ने शादाब को बार बार दो छक्के मारने के बाद शादाब को फिर इसीलिए ही दोबारा दमाया गया था कि वो खीर समझ के खाने की कोशिश करे और आगे से मुंह चल जाए, और वही हुआ कि वो खीर समझ के पीछे का मारने लगे तो कैच देख गया, तो वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेहतर हुई। लेकिन आज इंडिया ने स्टार्टिंग इतना बढ़िया किया, इतने डहराना अंदाज में खेले कि मैं मुझे नहीं लगता कि जब तक इंडिया की बैटिंग रही है सवाए दो बार के जब आउट हुए हम पाकिस्तानी फैंस क्यों भी कर पाए हो, क्योंकि नसीम मुझे लगता है नसीम आज अंदर की रात नसीम ने रोहित शर्मा को जो गेंदें डाली, थोड़ा टाकरा चल भी रहा था उनका आपस में, पता नहीं आप लोग टीवी पे देख पाए या नहीं देख पाए, नसीम कुछ ना कुछ शुरुआत में बोल रहा था, रिजवान ने पीछे से आके रोहित शर्मा को बोला कि मैं बात करता हूँ, फिर दोनों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी नसीम फील्ड कर रहा था 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए खड़ा रह रहा था रोहित के सामने, नहीं वो आपको लगा वो तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए। हाँ हाँ वो सारा कुछ होता है, देखो नफ्सियात पाकिस्तान के जो मैच होता है ना ये नफ्सियात का मैच होता है, तो जब वो दूसरे बॉलर को मार रहे थे तो नसीम मार नहीं खा रहा था आपको, कामयाबी नहीं मिली जितनी पाकिस्तान पूरा उम्मीद करके बैठा था। और 10 ओवर के अंदर या 12-14 ओवर तक अगर कोई आउट आपका 10-12 ओवर तक नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने पूरा ओवर कर दिया, आप लोग आए हुए इंडिया वाले उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हमने विकेट नहीं देनी आराम से खेला। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आपके बैट्समैनों का बल्ला रन उगलना शुरू हुआ तो हमें ये भी हमारी सोच में खत्म होगी कि शायद हमारे जो अटैकर हैं उनको ये संभाल के खेलेंगे
डिफेंड में खेलेंगे और बाद में जो हमारे स्पिनर आएंगे उनको मारेंगे, लेकिन उन्होंने जब मारना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था जैसे विकेट में से कोई जान नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो आप कैसे बैठ पाते हो स्टेडियम में? आपका तो बैठना जो है वो राम धोनी फैन मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने कहा बेटा तेरा दिन है, तेरा दिन, तेरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। तो फिर जब आएगा कल टाइम आपको लग रहा है, पहले तो बताओ, क्योंकि 4 बजे से मैंने देखा है बारिश मुझे, अब आप मुझे बताओ कि बाबर हो गया। देखो अगर ये जो टोटल जा रहा है ना जिस तरफ, इसके लिए फकर का चलना जरूरी है, नहीं तो नीचे से चच्चू का चलना जरूरी है। ये अगर आप देखोगे थोड़ा सा बाबर के लिहाज से या इमाम के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं इंशाल्लाह, आपके सामने जो है बॉल वो स्विंग भी नहीं हो रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, तो सीधे सीधे बॉल पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी उस हिसाब से खेलेगी। अगर बाबर आजम ने टॉस जीतकर आपको बैटिंग का मौका दिया तो इसका मतलब है वो विकेट को अच्छे से स्टडी कर रहा है। इंडिया को तो यहाँ इतना मौका नहीं मिला अभी इस सीरीज में, पाकिस्तान 12 बार यहाँ पे खेला है, यहाँ की कंडीशन तो अच्छा वाकफ है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 11 ने भी इसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी। पर मुझे तो सीधा विकेट लग रहा है, रन बोलने वाला विकेट है, और भैया आज आपने देखा भी वहां पर, चाहे हम गिल की बात करें चाहे रोहित की बात करें, आज आपने गिल और रोहित का स्टांस देखा कि विकेट को थोड़ी आगे आके खेल रहे थे, जिससे स्विंग ये हमें इजाजत दो, हमें घर निकलना है। ठीक है जी, ठीक है जाओ। तो आज भाई अभी बातचीत करें, यहाँ पर बारिश की आपने देखी वहां पर, लेकिन अगर भाई जिस तरीके से भाईजान कह रहे थे तो उसमें रोहित और गिल की एबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, स्विंग को आज उन्होंने काटा वहां पर, तो और उन्होंने ओवर अटैक